हेलो वियर्स, निकाल के जिस्म से अपनी जान देते हैं। बहुत मजबूर होते हैं वो पिता जो कन्या दान देते हैं। रिश्तों की कोई तयशुदा परिभाषा नहीं होती, परिस्थितियां वह समय इन्हें परिभाषित करते हैं। मन की आंखों से रब का दीदार करो, दो पल का है अंधेरा, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में ए यारो, छोटी सी जिंदगी है बस, हर किसी से प्यार करो। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है सभी अंधकारों को मिटा देती है। जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। पता है आज तक मेरी माँ ने मुझे वो बात नहीं बताई जो वो कहती थी, तू घर आ फिर बताऊंगी। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। मजबूत मन वाले बिना शिकायत कष्ट भुगत लेते हैं, कमजोर मन वाले बिना कष्ट भुगते ही शिकायत करते रहते हैं। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुन्दर भले ही अपार है पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार है। किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह लो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ भोजन करो, किसी की आदत देखनी हो तो उसे सम्मान दो, और किसी की नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्म सम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। नींद तो बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। संबंधों को सिर्फ समय ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। जिंदगी सबर के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने हर शख्स को यहाँ खुशियों का इंतजार करते देखा है। जब आप अपना दिन शुरू करते हैं अपनी जेब में 3 शब्द रखें, कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ, विश्वास भगवान में रखो तो सफलता आपके पैरों पर होगी। वक्त तो निकलता है लेकिन बदले हुए लोग जिंदगी भर याद रहते हैं। झूठ में आकर्षण होता है पर स्थिरता सत्य में ही होती है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। हमें पता है कि रंगोली दूसरे ही दिन मिटने वाली है, फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा आकर्षक हो, मनमोहक हो, ये कोशिश रहती है। जीवन भी कुछ रंगोली जैसा ही है। हमें पता है जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, फिर भी उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, पल पल हर पल। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ सकती हैं, और खोने के लिए एक गलत फहमी ही काफी है। 7 वचनों के बंधन में बंधकर तो हर कोई रिश्ता निभा ही लेता है। असली रिश्ता तो वही है जिसमें कोई बंधन न हो फिर भी प्रेम असीम हो। जीवन केवल यह नहीं है कि किसी ने तुम्हारी निंदा की या तुम्हारे लिए सराहना के बोल कहे। जीवन इन सभी से बहुत अधिक है। जीवन किसी भी संबंध या व्यवसाय से कहीं अधिक है। जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बहुत जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया क्या है। रिश्तों में जब झूठ बोलने की शुरुआत हो तब समझ लो रिश्ते का अंत नजदीक है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई न दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में रहने दो। फल न सही, छांव तो अवश्य देगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता बूढ़े ही सही, घर में ही रहने दो। दौलत तो नहीं कमा सकते लेकिन आपके बच्चों को संस्कार अवश्य देंगे। यकीन रखिए भगवान दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो पर मरने के बाद
शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। सतगुरु जी, तेरे चरणों में आकर मेरे सुख का दरवाजा खुला है। यूं तो जमी पर होंगे बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन तू मेरे हर दर्द की दवा है। ना जिंदगी वापस आती है, ना जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से ठीक हो जाती है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं।